मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स एंड सेवन। मैं स्वाति सिंह, अगेन वी मीट आवर क्लास। डे इज ट्यूसडे, डेट इज 2/6/20। आपका सब्जेक्ट हिंदी है और उससे रिलेटेड आपको हिंदी ग्रामर मैं पढ़ाने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन के जरिए जो कुछ भी जिस सब्जेक्ट में ही पढ़ाया जा रहा है आप लोग उस पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे होंगे। आज का टॉपिक है आपका संज्ञा, चैप्टर 5, नाउन। इंग्लिश में शायद आप लोग पढ़ाई कर चुके होंगे, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि बेसिकली ग्रामर जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो आपको इंग्लिश और संस्कृत दोनों व्याकरणों में सहयोग देगा। हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने पाठ 1, 2, 3, 4 में भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य के बारे में पढ़ाई की। आपको मैंने समझाया भी और होमवर्क भी दिया था। एक्सेप्ट करती हूँ कि आप लोग होमवर्क कर लिए होंगे। जब भी हम लोग मिलेंगे उसका करेक्शन किया जाएगा। लिखित और मौखिक भाषा के रूप में मैंने आप लोगों को इन सारे पाठों को समझा दिया है। इंस्ट्रक्ट भी किया था कि क्रमानुसार उत्तर पुस्तिका में याद करके लिखना है। अभ्यास के अंतर्गत जो भी प्रश्न उत्तर दिया गया उसको आप लोगों को कॉपी में रिटर्न वर्क करना है। जिन बच्चों के पास बुक हैं वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो कुछ भी बताया गया है बुक में क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रैक्टिकली आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि आप लोग व्याकरण की पुस्तिका अवश्य ले लें, अन्य विषयों को भी पुस्तिका ले लें। मिल रही है, पुस्तक लेना ज़रूरी है क्योंकि व्याकरण का प्रैक्टिकली प्रैक्टिस आपको पुस्तक के बिना नहीं हो सकता। नाउ वी स्टार्ट संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, सिंपल चैप्टर है आपका। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के गुण तथा अवस्था को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे अवस्था में विशेष गौर करेंगे बच्चों। जनरली हम जानते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के प्राणी, भाव के गुण तथा अवस्था को संज्ञा कहते हैं। अवस्था का अर्थ मतलब होता है स्थिति। उदाहरण के रूप में बता रही हूँ कि महात्मा गांधी, पुस्तक, गंगा, यमुना, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, तोता, कविता, प्रेम, क्रोध आदि। बच्चों, अवस्था स्थिति के अंतर्गत आ गया और संज्ञा की परिभाषा में विशेषता रखता है वस्तु, भाव, प्राणी या स्थान का नाम। मुख्य बिंदु संज्ञा की परिभाषा में जानने के लिए है, आपकी बुक में भी तालिका बनाई हुई है, आप उसको पढ़ के समझेंगे। यहाँ संक्षिप्त रूप में मैंने समझाने की कोशिश की है। संज्ञा की परिभाषा को तालिका के अनुसार समझना। यहाँ कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं जैसे तुलसीदास है, महात्मा बुद्ध, मदर टेरेसा है, कबीर है, ईसा मसीह है। वस्तुओं के नाम है पुस्तक, मेज, रंग, कलम, खिड़की। स्थान का नाम है दिल्ली, कश्मीर, लखनऊ, अस्पताल, देवालय। प्राणी के नाम है चिड़िया, तोता, शेर, हाथी, घोड़ा। भाव है प्रेम, क्रोध, घृणा, स्वार्थ, ममता। बच्चों, ये सब की अवस्था होंगी। जैसे तुलसीदास ने रामायण लिखा, महात्मा बुद्ध के बारे में भी जानते हो कि इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, पुस्तक पढ़ाई करते हैं। दिल्ली, कश्मीर, लखनऊ ये जगहों के नाम हैं जो विशेष हैं। प्राणी में भी आपका चिड़िया, तोता, शेर, हाथी, घोड़ा, इन सबों की अवस्था होती है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, तोता को हम पाल रहे हैं। भाव है तो भाव की भी अपनी अवस्था होती है। तो तालिका के अनुसार संक्षिप्त रूप से इसको समझना है और याद करना है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स, संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन इंग्लिश में बोलते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और
भाववाचक। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे। इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यहाँ विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है कि जैसे अर्जुन, मोहन, राम रहीम, दिल्ली, पंजाब, गीता, कुरान, रामायण। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पे बताया है कि जो विशेष स्थान रखता हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो। जातिवाचक संज्ञा, इसको कॉमन नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप शेर, गाय, ये प्राणी के अंतर्गत आ जाता है। पुस्तक, मेज, वस्तु के अंतर्गत आ जाता है। छात्र, नदी, मनुष्य, ये सब जो है सो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। इसमें आपको सजीव और निर्जीव संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद में दोनों की जानकारी से ही हम समझ पाएंगे। जातिवाचक संज्ञा में मुख्य बात यह जानने का है कि अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए गए हैं। सिंपली हम जानते हैं कि संज्ञा के तीन ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश ग्रामर के अनुसार दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है समुदायवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। सबसे पहले हम समुदायवाचक संज्ञा को समझेंगे। इंग्लिश में इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समुदायवाचक शब्द का बोध होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इससे समुदाय का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय अर्थात झुंड, समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप भीड़, सभा, वर्ग। वर्ग यानी कक्षा। हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो एक समूह के रूप में सभी छात्र इकट्ठे होकर पढ़ते हैं। सेना, गुलदस्ता, गुलदस्ता में ढेर सारे फूल आ जाते हैं। यानी समूह का जहाँ बोध हो वह समुदायवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा भेद आ जाता है बच्चों, इसको बताने के पहले थोड़ी सी मैं बात समुदायवाचक संज्ञा के बारे में बोलना चाहूँगी कि सेना जो है आपका, सेना में आपको लगेगा कि सेना शब्द जो है सिंगल है, लेकिन सेना समुदायवाचक इसलिए होगा क्योंकि इसमें सैनिकों से सेना शब्द का निर्माण होता है। इसीलिए यह जो है सो जातिवाचक होता है। फिर भी यहाँ सैनिकों का झुंड होगा इसलिए यह जो सेना कहलाएगी समुदायवाचक के अंतर्गत। उसी प्रकार कक्षा, गुलदस्ता आदि पर भी यह नियम लागू होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल भाषा में आप जानते हो कि द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया कि द्रव्य यानी जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे घी आ गया, चावल, दाल, सोना, चांदी, पीतल, ये सब धातु के अंतर्गत आ गया आपका एग्जाम्पल। इनको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। धातु को पिघलाकर उससे आभूषणों का निर्माण किया जा सकता है, अन्य चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। हिंदी व्याकरण में समुदायवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। अब आइए संज्ञा के तीसरे भेद, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, भाव या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा का मतलब हुआ
कि इसको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते। जैसे पढ़ाई आप कर रहे हो, सफाई आप कर रहे हो, राष्ट्रीयता, अगर इन तीन शब्दों को लेंगे तो ये विद्यालय के अंतर्गत भी आ जाएगा, क्योंकि विद्यालय में आपको इससे संबंधित जानकारी दी जाती है। मनुष्यता, उदारता शब्द आ गए, ये सब भी हम शिक्षा के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। सुंदरता, सर्दी, गर्मी, हंसी, बुढ़ापा आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा है। सर्दी हमें महसूस होती है, गर्मी हमें महसूस होती है, हंसी को भी हम हंसकर भाव के द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं, तो इसीलिए ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ यहाँ पे आपका पाठ खत्म होता है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो मैंने इस पाठ के अंतर्गत आप लोगों को लिख के बताने की कोशिश की है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है, लेकिन कैसे? अपने गुणों और विशेषताओं के आधार पर। अब आप उदाहरण देखिए, यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र हैं, तो राजा हरिश्चंद्र का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यता के लिए प्रसिद्ध थे, कि वो हमेशा सत्यवाणी बोलते थे, और इसकी कहानी भी आप जानते ही होंगे। जब हम कक्षा में मिलेंगे तो संक्षिप्त रूप में मैं इसकी जानकारी आपको दूंगी। कर्ण, कर्ण का नाम आते ही आपको सीधे दानवीर कर्ण, महाभारत कथा का पात्र याद आ जाता होगा, कि कर्ण के जैसा महाधानी विश्व में किसी को नहीं माना गया। श्रवण कुमार अपने मातृ पितृ भक्ति के लिए जाने गए। भाववाचक संज्ञा, शब्द को संज्ञा के अन्य भेदों के साथ परिवर्तित करना।